आपने पारद शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग, भस्म शिवलिंग और पौराणिक काल में तपस्वी लोगों के द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक शिवलिंग ऐसा है जो खिचड़ी से बना है? जी हाँ, आज हम आपको खिचड़ी से बने शिवलिंग का दर्शन करा रहे हैं। खिचड़ी से बना शिवलिंग काशी के गौरी केदारेश्वर मंदिर में स्थापित है। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर खिचड़ी से बने शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। अभी आप इस शिवलिंग के श्रृंगार रूप के दर्शन कर रहे हैं। इस शिवलिंग का जब आपको पूरा रूप दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस शिवलिंग का खिचड़ी से कैसे निर्माण हुआ। खिचड़ी से शिवलिंग निर्माण के आप प्रमाण भी इसमें साफ साफ देख पाएंगे। गौरी केदारेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग की मान्यता कितनी है, इसका अंदाजा यहां दर्शन के लिए रोज उमड़ने वाले इन भक्तों की संख्या को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। यहां आने वाले भक्तों का मानना है कि गौरी केदारेश्वर मंदिर में खिचड़ी से बने शिवलिंग के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस मंदिर और इसमें स्थापित शिवलिंग के कारण काशी में इस क्षेत्र को केदारेश्वर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण काशी क्षेत्र तीन क्षेत्रों में विभाजित है, विश्वरेश्वर क्षेत्र, ओंकारेश्वर क्षेत्र और केदारेश्वर क्षेत्र। मान्यता यह भी है कि काशी में मृत्यु के बाद व्यक्ति को यमराज का दंड नहीं भुगतना पड़ता, लेकिन भैरव का कष्ट फिर भी झेलना पड़ता है। लेकिन केदारेश्वर क्षेत्र में मृत्यु होने पर व्यक्ति को इस भैरवी यातना को भी नहीं भोगना पड़ता और उसे मोक्ष मिल जाता है। यहाँ एक शिवलिंग, यहाँ पे 5 लोग का दर्शन होता है। सुबह के समय पर आने पर गर्भगृह से गंगा जी का, नंदी जी का और सूर्य भगवान का भी दर्शन होता है। जब मानताता जी को दर्शन दिया भगवान ने, तो भगवान का एक रूल है कि दर्शन देने के बाद वरदान देते हैं, तो वरदान स्वरूप मानताता जी ने उनसे बोला कि हे प्रभु, जो भी इस केदार खंड में, मेरे काशी हमारी 3 खंड में है, केदारेश्वर खंड, विश्वेश्वर खंड और ओमकारेश्वर खंड। तो केदार खंड की महत्ता यह है कि यहाँ पे जो जिनकी मृत्यु होती है उनको भैरवी यातना भी नहीं होती। काशीवासियों को भैरव जी दंड देते हैं, यमराज दंड नहीं देते। बाकी जगहों पर यमराज दंड देने वाले होते हैं, लेकिन काशीवासियों को यमराज दंड नहीं देते, काल भैरव दंड देते हैं। लेकिन जो केदार खंड में मृत्यु प्राप्त करता है उनको भैरवी यातना भी नहीं होती है। ये केदार खंड का महत्व है। कैसे खिचड़ी से बना शिवलिंग? सभी के मन में सवाल होंगे कि आखिर खिचड़ी से कैसे शिवलिंग का निर्माण हुआ? ये शिवलिंग तो सामान्य पत्थर जैसा दिख रहा है, आखिर ये खिचड़ी से कैसे बना होगा? तो इसका उत्तर हमें सनातन धर्म के महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में खिचड़ी से शिवलिंग के निर्माण का वृत्तांत दिया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान राम के पूर्वज राजा मंधाता ने भगवान केदारेश्वर के दर्शन के लिए केदार पर्वत पर कठोर साधना की। मंधाता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने यह वर दिया कि तुम काशी जाओ, वहीं पर मैं लिंग रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। राजा मंधाता ने काशी में आकर फिर साधना शुरू कर दी। एक मकर संक्रांति के अवसर पर उन्होंने मूंग की खिचड़ी बनाई और फिर भगवान को अर्पित की। फिर रोज की तरह एक भाग अपने लिए, एक भाग अतिथि के लिए रखा। लेकिन उस दिन खिचड़ी पत्थर के शिवलिंग के रूप में बदल गए। अतिथि का भाग अलग करने के लिए उन्होंने खिचड़ी में एक रेखा खींचकर उसके 2 भाग किए थे। जब पत्थर का शिवलिंग बना तो उसमें भी ये रेखा स्पष्ट रूप से दिखी। आप देख सकते हैं भगवान गौरी केदारेश्वर के शिवलिंग के बीच में एक रेखा साफ दिख रही है। शिवलिंग में रेखा बनी होने से इन्हें गौरी केदारेश्वर कहा जाता है, क्योंकि इसमें लिंग रूप में हमें अर्धनारीश्वर यानी भगवान भोलेनाथ और मां गौरी दोनों के एक साथ दर्शन होते हैं। मां गौरी यहां अन्नपूर्णा के रूप में दर्शन देती हैं। खिचड़ी से बना हुआ शिवलिंग है, तो उसको वो एक भाग अतिथि को स्वयं देते थे मानधाता और एक भाग स्वयं देते थे। जैसे कि खिचड़ी से बना, तो गौरी और केदारेश्वर दोनों है उसमें जो है अन्नपूर्णा का वास है। अन्नपूर्णा का वास होने की वजह से वो शिवलिंग जो है शिवमय में है। वो 4 युग में 4 तरह से रहेगा। अभी जो है कलयुग चल रहा है, कलयुग में हरिहरात्मक होके है। शैव और वैष्णव में एकता का प्रतीक
इस खिचड़ी से निर्मित शिवलिंग की एक और खासियत है, यह लिंग शैव और वैष्णव में एकता का भी प्रतीक है। मान्यता है कि रेखा द्वारा विभाजित शिवलिंग होने की वजह से इसमें शिव पार्वती के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के भी दर्शन होते हैं। माँ गंगा करती है गौरी केदारेश्वर की परिक्रमा। इस मंदिर की एक और मान्यता है, भक्त मानते हैं कि माँ गंगा गौरी केदारेश्वर मंदिर की परिक्रमा करती हुई उत्तर दिशा की तरफ बहने लगती है। आप देख सकते हैं कि मंदिर के द्वार के ठीक नीचे माँ गंगा का कितना विहंगम दृश्य उत्पन्न होता है। मंदिर के सामने गौरी कुंड है जिसमें हर वर्ष माँ गंगा अपना पवित्र जल भरती है। इस कुंड का धार्मिक पूजन में विशेष स्थान है। नीचे गौरी कुंड भी बना हुआ है, जो पहले जल उसमें नहीं आता था, तो कुछ सवाल गौरी केदारेश्वर से गंगा जी ने 100 प्रश्न किए, तब गंगा जी नीचे से ऊपर उठ के आईं और इनको दर्शन करके आपके उत्तर से दक्षिण से आते हुए उत्तर की ओर जाती हैं। और यहाँ पे अगर जो नीचे प्रभाव को देखेंगे तो वो मंदिर का चक्कर भी लगा के फिर रिटर्न जाती है। आरती में सिले वस्त्र पहनना वर्जित। खिचड़ी से बने शिवलिंग वाले केदारेश्वर मंदिर में कुछ अन्य विशेष मान्यताएं और वर्जनाएं भी हैं। आरती के दौरान सिले हुए वस्त्र पहनकर गर्भगृह में प्रवेश करने की मनाही है। सभी धोती और लुंगी में आरती करते हैं। हम इस समय मंदिर में हैं। ये मंदिर के सामने गर्भगृह है और यहाँ द्वारपाल है भगवान शंकर के, जो गर्भ के द्वारपाल हैं। और ये अंदर जो गर्भ बना हुआ है, इसमें मान्यता है कि आरती के समय आदमी सिले हुए वस्त्रों को पहनकर नहीं जा सकता, वो लुंगी मिलती है मंदिर से, उस लुंगी को पहन के जाता है। और उसके बाद ये इधर प्रदोष मंडप है, जहाँ पर प्रदोष मंडप पर आज प्रदोष के दिन दर्शन पूजन होता है और भगवान शंकर की फेरी लगाई जाती है। यहाँ आरती का नज़ारा काफी भव्य होता है। आरती शुरू होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। आरती के दौरान मंदिर में मौजूद रहने का विशेष फल भी प्राप्त होता है, लेकिन जिस फल की कामना सभी के मन में होती है वो है मोक्ष। यहाँ मोक्ष मिलता है, यहाँ पे सुकून शांति मिलता है, और क्या चाहिए इस जीवन में, और क्या चाहिए, जीवन चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, और मृत्यु के बाद शांति से बाबा के धाम में पहुंच जाए, इसके सिवा और क्या, और जो कमी है बाबा पूरा कर ही रहे हैं। काशी में जब औरंगजेब को मुंह की खानी पड़ी, मुगल बादशाह औरंगजेब ने जब काशी पर हमला किया तो उसने विश्वनाथ मंदिर समेत काशी के कई मंदिरों को निशाना बनाया और वहां तोड़फोड़ की, लेकिन गौरी केदारेश्वर मंदिर में उसे मुंह की खानी पड़ी। मंदिर के गर्भगृह में घुसना तो दूर, वो भोलेनाथ के गण नंदी के उग्र रूप का भी सामना नहीं कर सका। कहा जाता है कि औरंगजेब ने जैसे ही नंदी की मूर्ति पर अपनी तलवार से हमला किया तो नंदी की मूर्ति से खून की धार निकल पड़ी, जिसके छींटों से औरंगजेब का हुलिया बिगड़ गया। साथ ही चारों तरफ से भंवरों के झुंड ने उस पर हमला बोल दिया। औरंगजेब इतना घबराया कि उल्टे पांव अपने सैनिकों के साथ भाग खड़ा हुआ और उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सीधा नंदी के ऊपर उसने एक भाला मारा, जब मारा तो उसमें से अनगिनत मक्खियां निकली, इतनी मक्खी निकली कि वो अंदर ही नहीं आ पाया। तो फिर उसने हार करके वो यहाँ से बाहर निकल गया, और जिसका जो है नंदी के ऊपर एक निशान भी पड़ा हुआ है। आप अगर जो उसको ध्यान से देखेंगे तो निशान में एक भाला जो है उनके ऊपर चढ़ा हुआ है। शिवलिंग के दर्शन से शिवधाम की प्राप्ति। काशी के गौरी केदारेश्वर मंदिर और उसमें स्थापित खिचड़ी से बने शिवलिंग की पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं का धार्मिक महत्व आज भी भक्तों की श्रद्धा का आधार बना हुआ है। भक्त लोग आज भी भोग और मोक्ष की कामना के साथ इस मंदिर में आते हैं। सभी का लक्ष्य है खिचड़ी वाले शिवलिंग के दर्शन से शिवधाम की प्राप्ति करना। हर हर महादेव। काशी में कहा जाता है यमराज की नहीं चलती, यहाँ पर 13 दिन की भैरवी यातना आदमी को मृत्यु के पश्चात भोगनी पड़ती है, लेकिन गौरी केदारेश्वर में दर्शन मात्र से ये भैरवी यातना से भी मुक्ति मिल जाती है, सीधे मोक्ष मिलता है। जनश्रुति ये भी है कि औरंगजेब ने जब इस मंदिर पर 16वीं सदी पर हमला किया और नंदी पर तलवार चलाई तो उसमें रक्त की धारा बहने लगी, बहुत से भौरे आ गए, इससे औरंगजेब डर कर
वापस चला गया और इस मंदिर को तोड़ने का ख्याल उसने छोड़ दिया।